नाम डॉक्टर ज़हूर अहमद है, मैं राष्ट्रीय लोक दल से सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जे एंड के हूँ। सर, आने वाले इंतखाबात जो पंचायती इंतखाबात है, आप उसमें हिस्सा लेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, आने वाले इंतखाबों में हम हिस्सा ज़रूर लेंगे। हमारे साथ जो लोग यूथ जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो इसमें हम हिस्सा ज़रूर लेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर से लेंगे। हाल ही जो गवर्नर साहब का भी बयान आया है कि हमें किसी मुल्क से, किसी देश से बात नहीं करनी है, कहा बात करनी है तो कश्मीरी यूथ से, तो इंशाल्लाह ये बहुत बढ़िया बात है। आज तक किसी ने नहीं कही, ये पहली बार ये बात आई है, हम खुश हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, बात भी करेंगे और आने वाले चुनाव, पंचायत चुनाव में हिस्सा ज़रूर लेंगे। सर, आपकी पार्टी की लॉन्चिंग 18 को हो रही है? 18 को हमारे यहाँ ऑफिस इनाग्रेशन भी है, लॉन्चिंग भी हो रही है। हमारे कुछ बाहर से कुछ MP भी आ रहे हैं, चलो वो आप उस दिन खुद ही पता चले। जितने भी म्यूनसिपल इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, उनका कहना है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमारे लिए नहीं है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये कोई नई बात नहीं है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है यहाँ, तो सिक्योरिटी है ज़रूरी है। मैं कैंडिडेटों के लिए चाहे कोई भी जिसको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो वो गवर्नमेंट उस पर पूरी ध्यान दे, सिक्योरिटी की ज़रूरी है। देखो, उनका जो जहाँ तक बाइकाट का सवाल है, ये आने वाले टाइम में पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में एक नासूर बनता जा रहा है कि 1% पे MP बने, 2% पे MLA बने, 0.5% पे सरपंच बने, तो ये आने वाले नस्ल के भी लिए एक नासूर है। तो राष्ट्रीय लोकदल ऐसा नहीं होने देंगे, यूथ को बुलाएगा, यूथ आएंगे, लोग आएंगे, मिल बैठ के उनके साथ बात करेंगे, लोग खुद लड़ेंगे, 1% वाली बात ख़त्म करें। वो चाहते हैं कि अब आने वाले टाइम में हम बस 1% पे ही MP MLA बनते रहें। सर, आप भी खुद एक कश्मीरी है, तो एज अ कश्मीरी आपको लगता है कि अगर यूथ के साथ बात की जाए तो वो सही ट्रैक पर आएंगे, कि इसमें हुर्रियत का कोई रोल नहीं बनता है? बिल्कुल, देखो जहाँ तक यूथ का सवाल है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाल्लाह इनके साथ बात करेंगे, वो टाइम आएगा आपको बता।